स्वस्थ हैं? यस सर। चलिए, जितने भी बच्चे आए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और खासकर स्वागत उनका बहुत ज्यादा जो बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, और इनकी अगली जर्नी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अब इनका जो अगली जर्नी होगी लाइफ की वो थोड़ा सा चेंज होगी, और चेंज सबसे तो ये थोड़ा सा उनके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगले पड़ाव के लिए जा रहे हैं, और उसका माहौल, वहाँ का माहौल क्या होगा, वहाँ की गतिविधियाँ क्या होंगी, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, बच्चे का धैर्य सीखा जाता है और धैर्य ही देखा जाता है, और इसीलिए ऐसे टॉक्स दिए जाते हैं जिससे बच्चे का मनोबल टूटे, लेकिन उस मनोबल में जो बच्चे आगे निकल जाते हैं उनकी जर्नी आगे कंटिन्यू रहती है। बहुत से हमने बहुत से बच्चों से मिला हो और देखा भी हो कि बहुत बच्चे ट्रेनिंग के जाने के बाद नर्वस हो जाते हैं, और उनको अलग अलग विचार आने लगते हैं, अलग अलग उनके मन में थिंकिंग आने लगती है, और उस थिंकिंग से लड़ना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और वो चैलेंज इतना समझ लीजिए कि एग्जाम क्वालिफाई करना जितना चैलेंज नहीं था उससे ज्यादा चैलेंज तो अब होगा उनके साथ, क्योंकि मन में उनके अलग अलग विचार आएंगे, काश मैं इसको ज्वाइन नहीं किया होता, या मैं इसके लिए नहीं था, अलग कुछ कर सकता था, पते, और उस क्वेश्चन में दबाव बनाने वाला वहां का एटमॉस्फेयर होता है, सुबह 4 बजे उठना, दौड़ लगाना, फिर अगला स्टेज जो भी वहां का है, उसके बाद सबसे ज्यादा बच्चों को खलता क्या है, सोने को नहीं मिलता है, और जो एग्जाम पॉइंट में सबसे ज्यादा आप लोग करते हो, सीधे ठीक उसके विपरीत होता है, यहाँ सोने का कोई टाइम नहीं, 8 घंटे रेस्ट ले रहे हो, 10 घंटे तक भी रेस्ट ले रहे हो, वहां तो मुझे लगता है मैक्सिमम 4 से 5 एक ही ख्याल आता है कि कल सुबह ना हो, काश ऐसा हो जाए कि सुबह ही ना हो, सुबह 4 ही ना बजे, तो ऐसे विचार लेकिन सोचने से ही होता है, और वहीं से फिर उसके मन में आता है कि कल हम जाएंगे, रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे, ऐसे कुछ अभी राग आते हैं, तो ये चीजें हैं, तो ये बात आप लोग अभी तो है नहीं, लेकिन उन बच्चों से जो आगे वाली जर्नी को बड़े आसानी से 1 साल निकाल देते हैं, क्योंकि ये बातें मन में बार बार आनी भी चाहिए, जैसे वो विचार आते हैं वैसे ये भी विचार आना चाहिए कि हम किस परिस्थितियों से लड़कर यहाँ पहुंचे, हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारे गुरु जी, हमारा परिवार, हमारा दोस्त, यहाँ तक कि हमारा दुश्मन भी ये सोचता है कि उससे लड़कर मैं यहाँ तक आया हूँ, तो जाहिर सी बात है जर्नी हमें आगे कंटिन्यू करनी है, तो ये हमारे लिए बैकअप सपोर्ट का काम करेगा जो जर्नी में आ गए, कुछ संघर्ष है, जैसे जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं हम तो मानते हैं कि वो बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन उस संघर्ष का कभी भी सकारात्मक भी लाइट ठीक ठाक है, जैसे एक उदाहरण लेना चाहूंगा, लाइट यहाँ काफी हद तक ठीक, इस बात पे आपको विचार करना होगा और इस पे अमल ला के इस पे काम करना होगा, खासकर घर वाले बच्चे जो गार्जियन से जो घर से आते हैं उसके एक रीजन है कि वहां स्मार्टफोन रहता नहीं, दूसरी बात कि जो हॉस्टल में रहते हैं जो बच्चे रूम घर से छोड़कर कमरा लेके रहते हैं उनके साथ एक चुनौती तो है ही है, और दूसरी चुनौती होता है जो घर का प्रेशर होता है, तो डबल प्रेशर होता है, क्योंकि इसमें जानते हो समाज भी हस्तक्षेप कभी आपके फेवर में अच्छा सोचेगा ही नहीं, हमेशा खिंचाई करने में लगता है, और इसका जवाब आपको अपने सिलेक्शन से ही देना होता है, वही लोग जो आपको आपके संघर्ष का ये नतीजा होगा, इन बच्चों का संघर्ष है, इन बच्चों को मैं बहुत बेहतर जानता हूँ कैसे इन्होंने संघर्ष किया है और इस संघर्ष से लड़कर यहाँ तक पहुंचे, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके इस साथ असफलता लगी तो प्रश्न आगे का तो पूछा ही जाएगा, पीछे का भी आपके हिसाब से पूछा जाएगा, जिसे कहते हैं ना पिछला भी हिसाब लिया जाएगा, आगे वाला तो हिसाब देना ही, तो ऐसा कुछ मत करिए, जो भी आपने किया उसको भूल जाइए, ऐसा नहीं है कुछ में एक लोगों का पीछे नहीं, आप अगर पीछे हट नहीं रहे और मैं पीछे नहीं हट रहा हूं तो सफलता झुक कर सलाम करेगी, ये दावा हमारा, उसको आना ही पड़ेगा, कितना भी मुंह मोड़ ले उसको आना ही पड़ेगा, उसको आना ही पड़ेगा, ये तय है, तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए और इन बच्चों से कुछ सीखिए, इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, ऐसा नहीं है कोई सफल होके पैदा नहीं होता है, सब यही मेहनत करके सफल होते हैं और यहीं से आगे बढ़ के जाते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि आपका गाइडेंस, आपकी मेहनत और आपका परवरिश या आपका जो है माहौल ये कैसा रहा, यही गाइडेंस करता है, आप हाई स्कूल नहीं पढ़े कोई बात नहीं, इंटर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन में अच्छा नहीं किया कोई बात नहीं, आज
आज से अच्छा कर दोगे ना तब भी बेहतर हो जाएगा। और ये कोई आपका वन डे कंपटीशन यही इतिहास रहा है कि कभी आपसे इतिहास नहीं पूछता, वो सीधा वर्तमान पूछता है। आज आप क्या है ये इंपॉर्टेंट है। गणित से एमएससी की हो कभी एग्जामिनर पूछता नहीं है, उसमें कभी कोई कालम नहीं आता है कि मैथ से एमएससी होना चाहिए। उसमें यह आता है कि जो हम प्रश्न दे रहे हैं इसका जवाब आपको आता है। आप इंटर पास करके आए हो, हाई स्कूल पास करके गणित पढ़े हो, आठवीं तक गणित पढ़े हो, कोई मैटर नहीं करता है। इसीलिए हमें उसके हिसाब से काम करना होता है। बहुत बच्चे ऐसे आते हैं, सर मैंने कभी गणित पढ़ी ही नहीं। गणित किसी ने नहीं पढ़ी है, हमने भी गणित नहीं पढ़ी, लेकिन इंटरेस्ट था और इस इंटरेस्ट को मैं आगे बढ़ाता गया। हाई स्कूल तक मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं मैथ का मास्टर बनूंगा। इंटर तक कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं मैथ का मास्टर बनूंगा। मैंने ग्रेजुएशन किया तो अगर मुझे मैथ का मास्टर बनना था तो मैं क्या करता, मैं आपको बीएससी एमएससी करता, बीएससी करता नहीं, नहीं किया, बीए किया होगा। मैं बीए किया हूं जान लीजिएगा, मैं से एमएससी नहीं हूं, पीएचडी नहीं हूं। मैं ग्रेजुएशन में बीए किया हूं, एमबीए भी नहीं किया हूं। खाली मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है, मेरे पास बीएड नहीं है, बीटीसी नहीं है, बीटेक नहीं है, लेकिन बस इंटरेस्ट था, मैथ से इंटरेस्ट था। हाई स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे मैथ में थे, इंटर में भी मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ में थे। मुझे बताया गया कि इसके लिए खाली इंटर पास होना चाहिए, जो परीक्षा दी जाएगी उसी में आपको बैठना है। आप एमएससी की हो, बीएससी की हो, कोई मैटर नहीं करता, आप क्वालिफाई हो, आपका जो मानक है, जो कंपटीशन का मानक है वो तय आपको आपको होना चाहिए बस। वो अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए तो आप कोई भी कंपटीशन दे सकते हो। सोच बड़ी करना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम मैं पुलिस बन गया होता, सपोज करिए मैं पहली बार पुलिस की भर्ती देखा था, पहली बार, और डिसक्वालीफाई था, पास नहीं हुआ था। दूसरी बार भी मैंने दिल्ली पुलिस की भर्ती देखी थी, फेल हो गए थे। लेकिन आदमी फेल होके सीखता है, फेल होके हारता नहीं होगा, कोई बात नहीं। और वैसी पुलिस को मैंने पता नहीं कितनी बार निकाला, इसमें मैं फेल हो गया। तब मुझे लगा नहीं पुलिस क्या करेंगे, एसआई देखना है। एसआई में पहली बार पार्टिसिपेट किया, फेल हो गया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा दिया, निकल गए। तब तक यूपीपी बहुत दूर चला गया था, तब मुझे लगा कि मैं एसआई भी बन सकता हूं बड़े आसानी से। फिर मैं सीडीएस भी देने लगा, सीडीएस भी क्वालिफाई था, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। लेकिन मैं प्री भी दिया था, मैथ्स भी दिया था, फिजिकल भी दिया था। सीडीएस की थोड़ी सी इंग्लिश इंपॉर्टेंट थी, मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश थी, इसलिए थोड़ा सा इसी की वजह से सीडीएस में थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल ज्यादा अच्छा रहता है और अदर की तुलना में। इसीलिए हम बच्चों से कहते हैं लेकिन मोटिव उसकी अपनी एबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैं मानता हूं कभी पुलिस का पेपर कल हो जाए, कल बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ क्वालिफाई करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उन बच्चों को मैं यही बताता हूं कि अगर आप मान गए हो कि मैं पुलिस क्वालिफाई कर सकता हूं, तो अगले बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए उसी समय। ये नहीं कि ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा आप फिर सोचेंगे, ऐसा नहीं है। काम सोच, अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि आदमी को सोचना बड़ा चाहिए, और बड़ा सोचेगा बड़ा कर भी लेगा। अगर आप छोटा सोचते हो तो छोटा नहीं है। बड़ा दुख होता है कि हमने सीपीओ साहब को इतना नजदीक से देखा है, अब समझ लीजिए कि बगल बगल बैठे थे, ये समझ लीजिए इतना नजदीक से। लेकिन बच्चे यहां पार्टिसिपेट नहीं करते, किस वजह से? इंग्लिश की वजह से। सच में बता रहा हूं, इसमें जितने बच्चे बैठे मुझसे ज्यादा इंग्लिश आती होगी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सच में बता रहा हूं। लेकिन उसके लिए भी सोचा जाता था, प्लान किया जाता था, प्लान से भी काम होते थे, प्लानिंग से पेपर को सॉल्व किया जाता है। आप लोग क्या होता है, इसीलिए कहते हैं ना, कोई बच्चा कंप्यूटर अगर क्वालिफाई करता है ना तो उसके पास टैलेंट ही नहीं होता, सिर्फ उसको सब्जेक्ट का ज्ञान है, उसके पास चालाकी भी है। उसके बाद उसको कहते ना, मुश्किलों को हल करने का उसके पास तरीका भी है, कैसे वो कैसे किसी चीज को हैंडल करेगा। बहुत सवाल मैं यहां पे भी बताता हूं, एक ऑप्शन से बनाना भी आसान होता है। वो ऑप्शन बनाने वाला मैं आपको कितना भी बताऊं, लेकिन जब तक आप अपने आप को एग्री नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आप। और उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आपका डगमगाने लगता है। और वो कॉन्फिडेंस कहीं से खरीदे नहीं, कोई दुकान पे नहीं मिलता,
दुकान पे मिला होता तो हम लोग बहुत पीछे होते। यही एक चीज है ज्ञान शिक्षा, जिसको आप प्रदान करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली से 25% अपर क्लास के बच्चे यहाँ ही नहीं है। उनको तो पैदा होते हैं तो बता दिया था कोटा जाना है, दिल्ली जाना है, मुखर्जी नगर पढ़ने जाना है। उनको ये बताया, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी फीस है 2 लाख दे देंगे जाओ, हॉस्टल खर्चा कितना है 3 लाख दे देंगे जाओ। हाँ, मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं और इनको ये सीखना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखिए, अगर आप लोग मेहनत करना शुरू कर दिए तो जाहिर सी बात कुछ भी हो सकता है, और मेहनत से बड़ा कोई चीज नहीं होती, किस्मत भी नहीं होती। इसको आप लोग देते हो दुआएं, किस्मत किसके साथ आती है? किस्मत उसी के साथ आती है ना जो तेज भागता है, जो आगे रहता है ना, किस्मत भी होगी। 10 सही है ना, 11 किस्मत से सही हो जाएगा, जिसका 2 सही है ना, 13 तीसरा खोरा सही हो। किस्मत भी उसी के साथ काम करती है जो आगे भागता है। इसीलिए मेहनत करिए, उसमें हमारा कितना रोल आता है ये भी आप तय कर लीजिए। चाहे वो आप कंटेंट के मामले में लेकर ले जा रहा है, चाहे आपको एटमॉस्फेयर के मामले में लिया जाए, चाहे आपको जो भी कंटेंट, जो भी आपको लग रहा है कि उसमें मेरा रोल और बेहतर हो सकता है, सुझाव भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम ही बहुत है। बच्चों जानते हो, एक टीचर को 70% उसके अंदर जानते हो, उसके अंदर क्रोध और ईर्ष्या नहीं होती है। अगर क्रोध और ईर्ष्या कर रहा है तो आपके करियर को लेकर ही कर रहा है, क्योंकि उसको इस बात का डर हो गया है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि मेहनत ही एक विकल्प है, और उसमें हमारा और आपका सहयोग से ही होगा। आशा यही कर रहे हैं कि एक कमरे से हम लोग बाहर निकलेंगे, नेक्स्ट जो सेमिनार होगा यहाँ नहीं होगा, एक बड़े से हॉल में होगा। ये बड़े से हॉल में होगा तो जाहिर सी बात है उसमें सहयोग सबसे ज्यादा आप लोगों का होगा। 80% बहुत बड़े जाते हो। सुल्तानपुर भी शहर ऐसा शहर है जिसको लोग बहुत सारे बाहर जब निकलोगे, अभी देखिए बच्चे जाएंगे तो ये अपना परिचय देंगे, जब वहां जाएंगे बाहर इतना परिचय देंगे तो यूपी ठीक बगल आ रहा है, लखनऊ से 140 किलोमीटर दूर आ रहा है। और ये आप लोग अभी फील नहीं किए हो, ये तो मैं फील कर चुका हूँ, बहुत दूर तक गया हूँ। वहां से जानते हो, जब मैं फिजिकल यूपीएसआई का दे रहा था तो मेरा फिजिकल जो था उस समय दिल्ली में हो गया था, क्योंकि बच्चे ज्यादा क्वालिफाई नहीं थे तो फिजिकल में। तो दिल्ली में जब बच्चे गए थे तो वहां मैंने पूछा तो उनमें से 4 लड़के खाली यूपी मिला रहे, और सुल्तानपुर का लखनऊ ना रहे। बाहर निकलोगे ना तो बहुत छोटा सा है, छोटे जैसे हम तो गिनती नहीं होती, इतना बड़ा गिरडा होती है ना कि कोई जानता भी नहीं, हमारे शहर को भी नहीं जानता, जिससे मैंने बड़ा होकर 22 साल हुआ जिस शहर में। तो ये सब चीजें हैं भैया, मेहनत करिए और इसका भी नाम होना चाहिए। और ये नाम परचम तभी कर पाएंगे जब हर सेंटर पे हो। पिछली बार यूपीपी में ऐसा कोई सेंटर नहीं था पूरे यूपी में जहां आर्मी क्लासेस से बच्चे नहीं थे। हर ट्रेनिंग सेंटर पे ऐसा नहीं है, जब बच्चे 200 बच्चे आते हैं तो एक दूसरे से परिचय हो जाता है। और आप कभी भी जाइएगा, जब आपसे 200 बच्चे मिलेंगे तो सबसे पहला आपका कहां से है, आप यूपी से हैं, पहला सब यही होगा। जब यूपी बता देगा तब पूछेगा कौन से शहर से, क्योंकि ये रिश्ते अपने आप जुड़ जाते हैं, इसको जोड़ना नहीं पड़ता, उससे दोस्ती तुरंत हो जाएगी, उसका नंबर उसके नंबर से तुरंत आपस में हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा, उसमें देर नहीं लगेगी। आप भागना जाएगा, कहेगा तमिलनाडु का, आप सोचे छोड़ा कौन काम आ। इसलिए कन्वर्सेशन करना चाहते हैं क्योंकि सुख दुख बांटने के लिए वो यूपी वाला ही होगा, भैया जाता हमारे वारिस को सामान ले आया होता और वह सुल्तानपुर के बनारस का है तो अगर दिल्ली मान लीजिए उधर जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है तो जाएगा सुल्तानपुर से ही, घर वाले बोल देगा गाड़ी नंबर इतने पे आ रही है, वहां प्लेटफॉर्म पे सामान दे दीजिएगा। हकीकत है, जो बच्चे होंगे जिनके आसपास भाई बहन दोस्त यार होंगे उसको पता होगा, फेस्टिवल बच्चे नहीं मना पाते हैं। फेस्टिवल के लिए हर गार्जियन धरती पे अगर कोई शुभचिंतक है तो माता पिता, इसके अलावा कोई नहीं, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते। अभी हमारी जानकारी में पिछली बार होली एक लोग नहीं आ पाए थे, वो दिल्ली में पोस्टेड थे,
और उनकी माता जी बड़ी परेशान थी, सब लोग फेस्टिवल मना रहे हैं, वो छुट्टी नहीं है, कोई भी घर में अगर पकवान बनता है और एक एक बच्चा नहीं रहता उसका ना, तो जाहिर सी बात सब तो बड़े खुशी खुशी खा लेते हैं, लेकिन माता पिता अगर खाते हैं ना चार बार सोचते हैं वो हमारा भैया नहीं खाया होगा, ये होता है। और उसकी पूरी कोशिश होती है कि उस तक वहां पहुंचाया जाए, आए दिन देखिए होता है। मैं जाने वाला, मैं खुद था स्टेशन पे पहुंचाने वाला, तो ये सब होता है भैया, अपनापन। इसलिए मेहनत करिए, जितने भी कौन जितने भी आपको सहयोग की जरूरत हो, कोई भी सहयोग हो सकता है, उसके लिए मैं खड़ा हूं। आपको लग रहा है इस चीज की प्रॉब्लम है, अगर ये हो जाता तो और बेहतर होता, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। सोच तो हमारी भी कुछ सोचते हो तो बिल्कुल स्वागत है, आप किसी से भी स्टाफ से हो तो शायद और बेहतर होगा, और बेहतर करने के लिए हम तैयार हैं। कोई भी चीज हो उसके लिए मैं तैयार हूँ, कुछ भी आपको उसके लिए कितना खर्च लगेगा इसके बारे में बिल्कुल मैं सोचता नहीं, अच्छा होना चाहिए। और उस तरीका आपको दी जा रही है और ये निरंतर दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक महीने का था अगले महीने बंद हो जाएगा, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर मंथ मिलेगा। और इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। सहयोग में आपको क्या करना है, नीचे मार्च उचारो अप्रैल कृपा मई कृपा जून है, मई वाला सोचा था कितने जल्दी जून वाला आवा है, ऊपर आई जाए गर्दा लगा दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो उसका रिजल्ट भी हमें दिखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा ये चीजें हैं, कंटेंट मैं अपना दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल हमारा है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया का, चाहे अपना कंटेंट डिलीवर करना हो, कोई भी चीजें करनी हो, सबसे अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा कुछ नहीं। बिहार शिक्षक का पेपर हुआ, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 3.8 डिजिट के साथ मैच हुआ, तो हम यूपी में क्यों नहीं कर सकते, जब बिहार में कर सकते तो यूपी में क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं आप, रिजल्ट आना ही होगा। 53,000 वैकेंसी है चाहे 23,000 आए, उमर नाम छपे क्या है, छपे क्या है, ये मैटर नहीं करेगा, ये तो तय है। अब वो डेट मार्च अक्टूबर हो सकती है, नवंबर हो सकता है, मैक्सिमम दिसंबर हो सकता है, बस सरकार की नीतियों को भी समझना होगा। सरकार तो चाह ही रही है कि रोजगार ना देना पड़े, अगर वो चाहती तो ऐसा कुछ नहीं करती, इसीलिए वहां पे वही होगा, आना फाना काम होगा, फटाक से नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसके बाद तुरंत क्या हुआ, फॉर्म फिल करवा के बता दिए, फला दिन डीट टेस्ट हुए, एग्जाम हुए। आपकी तैयारी क्या है उससे कोई मतलब थोड़ी ना है, तैयारी की हो कि नहीं की हो उससे यही बता सकते, बताए ना रहा कितना जल्दी ले भाई, ये आप काम देना ही है। आपका टारगेट अक्टूबर होना चाहिए, ये अक्टूबर तक हमें जितनी भी गलतियां कर रहे हैं या करने वाले हैं सबको सुधार ले गया, ठीक है, तैयार हो, अगली बार पुलिस पार, जिन बच्चों के पास एलएलटी है उनका मिशन पुलिस नहीं होना चाहिए, उनका मिशन है दो स्टार। आपके पास प्रश्न आ जाएगा, कुछ नहीं किया है, नहीं किया, और उस पे जो नहीं किया है ना वही अगले दिन कर लेना, अगले अपने आप स्टार लग जाएगा, स्टार स्टार यार बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हो गया है, बस यही इतना है। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका ओपिनियन पढ़ा करिए, क्या किया जा सकता है, क्या मैंने अपने जीवन में किया, इसलिए आप लोग मिशन बनाइए, जो बच्चे जिसने हैं, जो अभी बच्चों का आश्रम विशाल से जुड़े हैं उन लोगों के लिए फोकस यूपीपी, हम ये नहीं कह रहे यूपीपी नहीं देना, उसका टारगेट यूपीएसआई होना ही चाहिए, उसी के लिए वो अफर्ट करेगा, उसी के लिए कोशिश करेगा, उसी के बारे में सोचेगा, सब कुछ उसी के बारे में करेगा, और उसके बारे में अगर सोच के काम कर रहे हो ना तो बहुत दूर नहीं है दो स्टार लगना, समझ गए ना, इतना असंभव चीज नहीं है कि आप उसको कर नहीं सकते। तो यही सब चीजें हैं, बातें बहुत बड़ी हैं, कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना है तो ज्यादा कुछ नहीं, आपसे यही संकल्प लेना चाहूंगा, आपका कमिटमेंट यही जानना चाहूंगा कि जो बातें यहाँ से सीख के जाएंगे उस पर अमल करेंगे, और उसको बच्चों से आपको एक ही चीज सीखना है, इन्होंने अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंच ही जा रहे हो,
बस उसको तो खुद आना पड़ेगा मंजिल को, समझ गए ना।